आपके सामने हिमालयन 450 और इसमें इसको किया गया फुल लोड बोले तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये छोड़ो अभी तक जितनी वीडियो देखी थी सबसे ज़्यादा काम इसके अंदर है। टॉप बॉक्स पैनियर इसके अंदर जो थे वो गाड़ी में रख के जा चुके हैं क्योंकि भैया इसमें लगा के लेके जाए, इसलिए बाकी मैं दिखाऊँ फुल लोड का वर्क इसमें क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर आपको भाई सर जो कि लगा दिया ट्रांसपेरेंट वाला, वैसे आपने देखा होगा ब्लैक स्मोक वाला जो कि हम लगाते हैं सबके अंदर, बट इसके अंदर नहीं लगाए गए ब्लैक, इसमें लगाया गया ट्रांसपेरेंट। और जैसे ट्रांसपेरेंट आपका ये है उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं आपको हैंड गार्ड जो कि आपने फर्स्ट देखोगे इसके अंदर, नॉर्मली आपने ब्लैक देखोगे या और कोई कलर देखोगा, बट इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट आपके लगा दिए गए हैं जो कि ये होते हैं आपके बिना टूटने वाले, मतलब अनब्रेकेबल। ये मिलेंगे आपको अनब्रेकेबल वाले हैंड गार्ड जिससे आपके हैंड और लीवर दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। इधर भी मिलेगा सेम मिलेगा आपको, इस तरफ लुक देखना आपको सी लगने के बाद किस तरीके का, जो ये रॉड है ना ये मिलते हैं आपको एल्यूमिनियम के रॉड जो कि आप देख सकते हैं, इससे होते हैं फुल सेफ आपके हैंड एंड आपके लीवर। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर कॉम्बो किट पैकेज जो क्या क्या इसके अंदर आता है वो पहले एक बार मेंशन करो क्या क्या होता है इसके अंदर, 8 आइटम होती है, वो 8 आइटम क्या क्या होते हैं बताया था। देखिए पहले मिलेगा इसमें GPS माउंट जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर लगा हुआ अंदर की तरफ, और उसके बाद दूसरी मिलती है आपको इसके अंदर एक मास्टर सिलेंडर की कैप, ये वाली एक मास्टर सिलेंडर कैप मिलेगी आपको इस तरफ, एक आपको मिलती है इस तरफ, ये तीन हो गया, चौथा वो हो गया। और फिर उसके बाद दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर गार्ड, नीचे मिलता है सम गार्ड, इधर मिलती है आपको हेडलाइट ग्रिल, और फिर उसके बाद आपको मिलती है 8 आइटम क्योंकि देखने मिलेगी टॉप रैक प्लेट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, नीचे की तरफ देख सकते हैं ये तो टॉप रैक की प्लेट है, ये नीचे की तरफ जो देख रहे हैं ये इसकी टॉप रैक प्लेट जो कि आपको कॉम्बो किट के अंदर मिल जाती है। और अब मैं बताता हूँ इन सब का यूज़ क्या क्या होता है। जैसे कि आपको पता GPS के ऊपर माउंट भी आपके लगा दिए गए इसके अंदर, और ये GPS माउंट है इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर मोबाइल होल्डर भी लगा सकते, जैसे देख रहे हैं ये लगा हुआ मोबाइल होल्डर, और आप चाहो तो इसके अंदर GoPro लगा सकते हो, आप अपना GPS कोई भी माउंट लगा सकते हो इसके अंदर जो आप चाहो, वो इसके अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाता है तो ये इसके अंदर काम आता है आपके साथ में। इसमें लगा दिया गया सिमटेक और मोबाइल होल्डर जो देख सकते हैं, वैसे चार्जिंग में लगा है बट चार्जिंग का इसमें वर्थ है नहीं क्योंकि चार्जर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है तो कनेक्शन करे नहीं है, नॉन चार्जिंग का एक सिलेंडर भी लगा देगा इसके अंदर सिमटेक और इसकी मिलती है आपको पूरे 1.5 साल की गारंटी और काउंटर प्लेसमेंट, तो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर हैंडल के ऊपर ही इसमें मिल जाता है आपको हिमालयन 450 के जर्मन फिटिंग वाले, ये देखिए हिमालयन की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी इस तरफ, तो आपको दिख जाएगी हिमालयन की ब्रांडिंग आपको इस तरफ देख सकते हैं आप, ये इसके ओरिजिनल फिटिंग वाले आपको मिल जाते हैं हैंडल बार राइजर जो कि अपने पास अवेलेबल है। अब आपको कहीं भी कुरियर मंगवाना हो कुछ कहीं भी चाहिए आपको ऑल इंडिया, तो ये अब हम डिलीवरी भी कर सकते हैं आपको इजीली, तो ये प्रॉपर फिटिंग वाले हमारे पास आ चुके हैं जिससे हैंडल आपका और ज़्यादा राइज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है हैंडल तो थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसको अप करने के लिए इसमें राइज होगा जो 1.5-2 इंच का इसके अंदर डिफरेंस आया था चलने के अंदर। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये इसलिए नीडफुल होता है क्योंकि इसके अंदर लगने के बाद ना जो इसका रेडिएटर था वो होता है पूरी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो लगा होता ना आपका जो रेडिएटर गार्ड वो लगा होता प्लास्टिक वाला जो किसी काम का नहीं होता, तो वो हटा के इसके अंदर मेटल वाला लगा दिया गया इसके अंदर, इससे आपका रेडिएटर होगा पूरी तरीके से, ये सेफ होने से आपकी गाड़ी भी रहती है पूरी सेफ, क्योंकि जब भी गाड़ी चलती है ना तो चलने पता ना आपको क्या होता है पत्थर वगैरह कुछ भी आकर लग सकता है इसके अंदर, और बहुत ही होता है सेंसिटिव पार्ट क्योंकि आप देख सकते हैं, और ये लगने से समझ लो पत्थर वगैरह वो जाने वाला है नहीं, तो ये करता है पूरी तरह सेफ। नीचे आपको मिलता है सम गार्ड जिससे आपका ऑयल फिल्टर होता है ना इसके अंदर लगा हुआ है उसको करता है पूरी तरह से प्रोटेक्ट, साथ में डस्टिंग वगैरह जो होती है वो भी आपकी करता है कंट्रोल, ये आपका सम गार्ड जो कि मिलता है आपको हिमालयन ब्रांडिंग का जर्मन फिटिंग में, देख सकते हो हिमालयन ब्रांडिंग इधर भी और इसमें मिल जाएगा, वो हिमालयन ब्रांडिंग देख सकते हो 450 ये जर्मन फिटिंग का होता है इसके अंदर। और इसके बाद दिखाता है इसके अंदर फॉक्स लाइट जो कि लगा दिया गया इसके अंदर, ब्लैक वाइट बाइक है लेकिन ब्लैक का कॉन्सेप्ट दिया गया इसके अंदर, तो ये ब्लैक लगा दिया गया इसके अंदर, इससे आपका शॉकर और डिस्प्ले दोनों होते हैं इससे दोनों तरफ देखने को मिलेगी आपको, जिससे कि सेफ भी हो जाती है साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ उसके फुल बॉडी क्रैश गार्ड, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जैसे कि आप मेरे हर वीडियोस के अंदर देखते हो हिमालयन के अंदर, मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ इसकी मिलती है आपको गारंटी, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो ये कर देता हूँ मैं चेंज, क्योंकि ये ना तो टूटेगा और ना ये खराब होने वाला, एक बार लगा लो और भूल लो फिर से लगाने के बाद, तो सेम आपको इधर मिलेगा सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, और इससे आपका टैंक आपके खुद के लैच ये होते हैं पूरी तरीके से सेम। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं, ये भैया के पहले वाले हिमालयन में लगे हुए थे बट इसमें वो गाड़ी भैया ने सेल आउट कर दिया गया, उसमें से निकाल कर ये ले आए थे प्रॉब्लम, तो इसके अंदर हमने लगाई हार्नेस जो कि मैं दिखाऊंगा आपको हार्नेस सारी किस तरीके की होती है।
ये देखिए, ये आपका हो गया एक पॉइंट, फिर मिलेगा आपको दूसरा पॉइंट, फिर मिलेगा आपको तीसरा पॉइंट, देख सकते हैं तीन पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम जो कि हार्नेस के साथ है, और ये हो गया आपके 60 वॉट के अंदर, और इसका कवर भी आता है साथ में, जो ओरिजिनल इसका भी कवर आता है साथ में, जिससे कि येलो हो जाती है इसीलिए कवर लगाने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक और चीज़, जो कि आपको लैमिनेशन देगी, इसमें लैमिनेशन कर दी गई जो कि आप जज भी नहीं कर सकते कि की भी गई है नहीं की गई, क्योंकि ये होता है प्रॉपर वर्क लैमिनेशन का, देख सकते हैं मैट बाइक है तो मैट ही कर दिएगा इसके अंदर लैमिनेशन। थ्री लेयर आपको जो मिलती है वो मिलती है आपको स्टार्टिंग के नीचे, देखिए चल रही है 100% है उसके अंदर होती है थ्री लेयर, बट इसके अंदर थ्री की नीड ही होती है, ये आपकी कर दी है मैट वाली, जो आपको देखो पूरा टैंक हो गया, आगे का ये वाला फेंडर होगा, और फेंडर में इस फेंडर ऑफ करने करते क्या फायदा होता है, देखो ना लोग क्या करते हैं ऐसे ही यहाँ पर पीस लगा देते हैं, बट हम पीस नहीं लगाते, हम इसे पूरा ओपन करके और फिर लगाते हैं, सेम इस तरह पीछे वाला जो होता है अपना टेल, ये देखते हैं टेल, ये टेल है ना इसमें पूरी यहाँ तक करी गई है मशीन, देखिए यहाँ तक इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना पूरा खुलने के बाद आपको एडवांटेज ये मिलता है कि प्रॉपर तरीके से हो जाती है, तो इसलिए पूरा जूते होती है अपने पास, हम चालू काम नहीं करते, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। और अब आते हैं नीचे वाले प्रॉब्लम के लिए, ये देखिए इसके अंदर वाई वाले प्रॉब्लम जो लगा देंगे इसके अंदर, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके की मशीन इसके अंदर मिल जाती है आपको, ये आपका हो गया वाइट, ये आपका हो गया येलो, ये वाइट ये येलो, और इसको ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता है इसके अंदर बटन, जो कि मिलता है आपको CNC वाला बटन, देख सकते हो आप क्या। उसके बाद दिखाता हूँ आपको, देखने को मिलेगा इसके अंदर जो पैनियर्स हैं वो भैया ले जा चुके हैं घर पे, क्योंकि ना इसके अंदर में फिटमेंट हमने सारी कर दी थी, बट भैया को कैरी करना नहीं था क्योंकि भैया को यहाँ से जाना है कहीं और वहाँ पर इन्हें पैनियर टॉप बॉक्स की नीड नहीं है जहाँ जा रहे हैं भैया, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी में रखवा दिए हैं। और ये सैडल स्टे देख सकते हैं इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए आपके सैडल स्टे, जो कि मिलते हैं आपको प्रॉपर फिटिंग वाले सैडल स्टे, और साथ में ना पैनियर की जो फिटिंग है जो मैं बता रहा था पैनियर ले जा चुके हैं, तो पैनियर इसके अंदर हमने कर दिए पूरे प्रॉपर फिट, लुक चेकआउट कर लो कैसे थे, जितना मर्जी हैवी हो अब इसके अंदर कुछ भी सामान रख के भैया इजी राइड कर सकते हैं। साथ में टॉप पर प्लेट भी लग चुकी है और टॉप बॉक्स का भी प्लेट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, वो भी भैया ले जा चुके हैं घर, जैसे इधर वैसे ही देखने लगे सेम इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से आने वाली है इसकी लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका एक और चीज़, साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये देखिए इसके अंदर लग चुका है आपका साइड स्टैंड एक्सटेंडर, जो कि आपको मिलता है हिमालयन 450 का जनरल फिटिंग वाला, कोई अल्ट्रेशन नहीं कोई जुगाड़ नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड जो फिट कर दिया गया इसके अंदर, इसे लगने के बाद अब आपका स्टैंड भी स्टेबल खड़ा रहेगा और ये घिसने वाला भी नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ मिलता है आपको गियर शॉक्स, जो कि देख सकते हो ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिए गए, इससे आपका शूज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा, जो कि इसमें इसी वजह से लगाया गया। और साथ में इसमें दिखाऊँगा आपको एक चीज़ और, वो मिलेगा आपको हॉर्न, जो कि इसके अंदर लगा दिए गए ओरिजिनल हला का हॉर्न, साउंड में सुनाता हूँ उसकी किस तरीके से आने वाली है, ये देखिए, क्योंकि इसका जो हॉर्न था वो सिंगल हॉर्न था, सिंगल हॉर्न में क्या होता है साउंड पूरी नहीं आती है, रोड पर निकलने के बाद साइड बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और उसी तरीके से इसमें लगा देगा एक लद्दाख फ्लैग, जो कि आप देख सकते हो ये फ्लैग भी इसके अंदर लगा देगा, जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी, लद्दाख जाने के रेडी है अब ये, जब भी भैया जाएंगे 2-4-10 दिन में अपना ईजिली राइड कर सकते हैं लद्दाख के लिए। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, अब बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है फाइनली बहुत देर बाद वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, आपने बैठे हुए इंतजार में कैसे होगा काम, कैसे होगा आप बताइए फाइनली। भाई भैया बहुत बढ़िया करा आपने, एक एक चीज़ खोल के करी है, जिस तरीके से करी है शायद बाहर वाला कोई नहीं करता, आपने एक एक चीज़ पे टाइम भी लगाया है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया की आपने, क्योंकि हम पता है कि हम जाने जाते हैं स्पेशलिस्ट इसलिए क्योंकि हम ना जुगाड़ पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते, जैसे कि आपने वो खोल के करने से आपको बेनिफिट मिल जाता है कि फ्यूचर के लिए भी आपको मतलब सेफ हो जाएगा आपकी बाइक भी, और ना ही कोई वायरिंग वाना किसी की दिक्कत हुई है, कोई कटिंग देखिए हमें कोई वायर कट तो नहीं करें? नहीं नहीं वायर की कटिंग नहीं हुई, सब प्रॉपर फिटिंग की गई है, जैसे कंपनी की फिटिंग आती है वैसे भैया ने फिटिंग करी है। मैंने इसके अंदर दिखाया नहीं बेशक कपलर टू कपलर कैसे करते हैं, क्योंकि वैसे मैं हर वीडियो के अंदर दिखाता हूँ तो मेरे व्यूवर्स उनको पता होगा कि मैं कटिंग करके नहीं करता हूँ, कोई भी बिना कटिंग करे प्रॉपर होता है कपलर टू कपलर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा पहले ऑलरेडी हो चुका था इसलिए मैंने कहा वो नहीं चाहिए। तो बाकी बताइए बस। बढ़िया भैया आपने मतलब कोई और दुकानदार किसी को खाना वाना नहीं खिलाता, जिस तरीके से आपने खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, यहाँ घर वाला माहौल बना के रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को अपना आपसे काम कराने के लिए। मैं आगे भी अपने यार दोस्तों या कोई भी कोई चीज़ लेता हूँ तो मैं आपके पास भेजूंगा कि आपसे ही काम करवाए, बहुत बढ़िया करा आपने काम। आपका कोई ग्रुप का राइड वगैरह वो भी है? नहीं ग्रुप का कोई राइड चैनल नहीं है, मैं और मेरी वाइफ घूमते हैं, या इस बार मैं अपने बेटे को लेके गया था, अब अपनी वाइफ को लेके वहाँ जाऊँगा अमरनाथ जी, तब आपको जाके रिव्यू दूंगा और बढ़िया। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए, और आपको भी कराना है ऐसा ही कोई भी काम, चाहे आपके हिमालयन हो, चाहे एक्सट्रीम हो, चाहे टेनार हो, चाहे 900 हो, कोई सी बाइक हो, कोई सी भी स्कूटी हो,
आ सकते हो आपके अपने राजू भाई के शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोड़ नए के अंदर। बैक साइड मिलता है आपको 36 नंबर गली, और फ्रंट पे देखेंगे तो मिलेगा आर्य समाज रोड। और सबसे मेन लोकेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, पहले तो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बाकी किसी को अगर चाहिए हो लोकेशन तो वो सीधा सा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। एक नंबर मेरा पर्सनल है, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, बाकी नीचे शॉप के नंबर भी हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर डले हुए, आप चाहो तो वहाँ से भी निकाल के कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी सामान चाहिए आपको ऑल इंडिया तो वो डिलीवरी आपको मिल जाएगी आपके अपनी शॉप पर, जो कि राजभाई की शॉप है दिल्ली करो। आना चाहो तो आ भी सकते हो इजीली। हनुमान जी की मूर्ति मिलती है आपको झंडेवाल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, और उससे 100 मीटर की दूरी पर एक और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, वो मिलेगी आपको मेरी शॉप के बोर्ड पर। तो समझ लो ईजी लोकेशन है, ज़्यादा कोई दूर है नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, राजभाई स्टडी को जो मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाई।